तो भाई लोग द 100 मेन कंपटीशन 2023 का जो मैच नंबर 23 है ना, इस मैच में ट्रेंट रॉकेट्स के सामने होगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों की बात करें तो अभी दोनों टीमों की जो कहानी है ना बिल्कुल एक जैसी। दोनों टीमों ने 5 मैच खेले, 2-2 मैच जीता, 2-2 मैच हारे और 1-1 मैच दोनों टीमों के नो रिजल्ट है। मतलब दोनों टीमों के 5-5 पॉइंट्स हैं। जो टीम यहाँ मैच जीतेगी वो तो आगे तो जाएगी, दूसरी टीम को लात मार के ना पीछे धक्का भी देगी। तो ट्रेंट रॉकेट या मैनचेस्टर ओरिजिनल्स दोनों टीमें चाहेंगी ना भैया जीत के खुद तो आगे जाना है, दूसरी टीम को लात मार के पीछे भी करना। तो आज का मैच कौन सी टीम करेगी अपने नाम ट्रेंट रॉकेट या फिर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, यही जानेंगे। वैसे अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक इनके बीच में 3 मैच खेले गए, 3 बार आमना सामना हुआ, तीनों बार ट्रेंट रॉकेट्स ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को डुप्लीकेट बना के भेज दिया, बोला आया बड़ा ओरिजिनल्स बनने। और ट्रेंट की रॉकेट आती है टाई टाई फिस करके मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को डुप्लीकेट बना देती। तो भैया क्या ट्रेंट की रॉकेट फिर से इस बार फोड़ेगी मैनचेस्टर को और करेगी मैदान फतेह, या फिर दोस्तों जब मैनचेस्टर है वो बोलेंगे भैया असली ओरिजिनल तो हम ही हैं, इस बारी करेंगे पलटवार, लेंगे पिछली हार का बदला। चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि आपको पता है ना मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो भाई का सपोर्ट करना बनता है ना। करना क्या, कुछ भी नहीं करना यार, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में ना भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना द 100 मेन के अलावा 100 वुमेन्स भी चल रही, लंका प्रीमियर लीग चल रही है, CPL भी तो स्टार्ट हो गया। इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज का ध्यान देना फेक से बचना है, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन कर दो। भाई लोग जो मैच है थर्सडे 17 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 11 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यहां मुकाबला खेला जाएगा टेंट बीच नॉटिंघम के मैदान पे। इससे पहले यहां पे द 100 मेंस के 10 मैच खेले गए, जिसमें से 6 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 4 मैच में टारगेट चेंज। अगर हम यहां पे देखें तो डिफेंड थोड़ा सा ज्यादा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, 6 में अगर डिफेंड हुआ तो 4 मैच में चेज भी हुआ। एवरेज स्कोर है यहां पे फर्स्ट इनिंग का 144, 144 रन। टारगेट चेज की बात करें 136, 136 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 152, 152 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 136 से 152 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला तो बराबरी का आ गया, जो कि चेंज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो ग्रॉस है, इसलिए होता क्या है कि शुरू में जो तेज गेंदबाज होते हैं ना, जो उनकी बॉल होती है सीम के साथ थोड़ा बहुत स्विंग भी करती है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो शुरू के 10-12 या 15 बॉल बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब एक बार बॉल की साइनिंग खत्म हो जाती है तो जो बॉल होता है ना बैट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 62 मीटर से 77 मीटर की, मतलब ठीक ठाक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। तो जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको विकेट मिलने के साथ साथ ना थोड़ा सा रन भी पड़ते रहते हैं, इसलिए यहां पे जो मैच होता है मीडियम स्कोरिंग या फिर हाई स्कोरिंग होता है। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 36 से 41 के बीच में देखने को मिल सकता है। 100 बॉल स्कोर की बात करें तो 135 से 150 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो टेंट रॉकेट्स ने अपने घर में 10 मैच खेला, 10 मैच में से 8 मैच जीता, बस 2 मैच हारे। यानी टेंट कह रहा है कि हमें हमारे घर में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की बात करें तो 1 मैच खेला, पता है किससे खेला, टेंट रॉकेट्स खेला, और टेंट रॉकेट के घर में टेंट रॉकेट को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के साथ वही हुआ, मुंह बना के आ गए, टेंट ने इनको धो डाला। तो टेंट तो बोलेगा ना भैया आप हमारे घर में आए थे हमसे बदला लेने, हमने पहले भी आपको पीटा था, तो इस बारी क्या पीट पाएगा या मैनचेस्टर कुछ और कर पाएगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टेंट रॉकेट्स की। हालांकि हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो डेविड मलान और एलेक्स हेज दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी ना कर पाए। टॉम कोलर कैडमोर की बात करें ये भी किसी मैच में चल रहे किसी मैच में नहीं चल रहे, लेकिन जब से जो रूट आए हैं ना कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छोर को संभाल की रखते हैं और भैया जिस तरह से एक दो मैच पहले 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी थी ना जो रूट ने, भाई मजा आ गया था। बाकी कोलिन मुनरो की बात करते ये भी काफी ज्यादा जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं जब जब इनको मौके मिले। डेनियल सैमसन जिस तरह से फिनिश करते हैं ना आज के टाइम पे भाई साहब वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब 10 बॉल खेलेंगे तो 4-5 छक्के लगा ही देंगे, क्या जबरदस्त फिनिश कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर लेविस जोजरी भी इनके पास है, समित पटेल भी हैं। तो भाई साहब जो इनकी बल्लेबाजी लाइनअप है ना, पहली बात तो 8-9 नंबर तक का शुरू के 2-3 बल्लेबाजों को हटा दिया जाए, मतलब शुरुआत अच्छी नहीं होती, शुरुआत खराब होने के बाद जो फोड़ना चालू करते जो बल्लेबाजी करते हैं ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो इनकी गेंदबाजी भी इस बारी ना थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रही है। हालांकि ल्यूक वुड की बात करें तो न्यू बॉल से बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन डेथ में थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं। पिछले मैच में जोश टर्नर को खिलाया गया तो इन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की, आयस सोडी जब से खेल रहे हैं ये भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी जो इनके ऑलराउंडर है जैसे कि डेनियल सैमसन बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी करके देते हैं, और जो रूट से भी ना ऑफ स्पिन डलवा
बॉल ऑफ बढ़िया डाल के देते हैं, विकेट भी निकाल के देते हैं। अभी तो इनके पास समित पटेल भी आके जो भी एक दो ओवर डाल के निकल सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो उसमें किफायती ओवर डाल के जाते हैं। लेविस जॉर्जरी की भी वही कहानी है, तो मतलब इनके तीन इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं, लेकिन तीन चार ऑलराउंडर होने के बाद ना जो इनकी गेंदबाजी थोड़ी सी बैलेंसिंग हो जाती है, लेकिन एक दो गेंदबाज अगर पिटता है तो इनकी जो दुर्दशा है वो खराब हो जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला ना कि थोड़ा सा अवरेज चल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की बात करें तो जो इनकी बल्लेबाजी लाइनअप है वो तो खतरनाक है, लेकिन खतरनाक परफॉर्मेंस कर नहीं पा रही भैया। अगर हम यहाँ पे जोस बटलर और फ्लिप सोल्ड की बात करें तो फ्लिप सोल्ड लगभग सभी मैचों में फ्लॉप रहे, जोस बटलर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है, तो मतलब एक जहां तोड़ रहा है दूसरा कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहा है। वहीं लॉरी इवेंस की बात करें तो लॉरी इवेंस भी एक आता दो मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप रह गए। पिछले मैच में बेन रैन को खिलाया गया था, बेन रैन भी ना चले फ्लॉप हो गए, लेकिन पॉल वोल्टर की बात करें। वहीं अगर हम यहाँ पे अस्टन टर्नर की बात करें तो अस्टन टर्नर को शुरुआत तो मिलती है लेकिन लंबी पारी ना खेल पाते, सेम कहानी है पॉल वोल्टर की, आते चले जाते हैं। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से जेमी ओबर्टन ने अकेले एक तरफा पीटा था ना, कमाल का था, मतलब बल्लेबाजी इनकी जेमी ओबर्टन तक का है। उसके बाद ओसामा मीर भी आते हैं, ओसामा मीर भी बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं बढ़िया गेंदबाजी के साथ। बढ़िया बल्लेबाजी लाइनअप जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की वो नीचे तक का है, लेकिन बात यह है ऊपर सिर्फ जोस बटलर अकेले बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाकी जो सारे बल्लेबाजी वो तो फ्लॉप हो जा रहे हैं। बाकी तो किस्मत अच्छी थी, पिछले मैच में जेमी ओबर्टन का बल्ला चला, कुछ बड़ा स्कोर बनाया तभी ये मैच जीत गए। तो बल्लेबाजी में नाम बड़े हैं लेकिन बिल्कुल दिखे ना है जोस बटलर को छोड़कर। गेंदबाजी की बात करें तो जोसो लिटिल इस मैच में होंगे नहीं क्योंकि वो अपने घर चले गए होंगे आयरलैंड इंडिया को टक्कर देने के लिए, तो उनकी जगह पे वेन मैडसन आपको खेलते नजर आ सकते हैं। वेन मैडसन की बात करें तो डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी, तो बटलर चाहेंगे भैया यहाँ पे भी वैसे परफॉर्मेंस कर देना। बाकी जोस टंग की बात करें तो ये भी ठीक ठाक गेंदबाजी, जो डोमेस्टिक में बढ़िया गेंदबाजी करके आए और पिछले मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी करी भी थी। जेमी ओबर्टन ये मतलब थोड़ा सा वेरिएशन अच्छी करते हैं जो कि काम आ सकती है। बाकी जो इनकी स्पिन गेंदबाजी ना वो जबरदस्त है, टॉम हैटले एंड ओसामा मीर की बात करें तो लाइन पकड़ के चलते हैं, विकेट पक्का निकाल के देंगे। सेम कहानी टॉम हर्टली की, रन पड़ सकता है लेकिन विकेट निकाल के देंगे, वैसे रन भी नहीं पड़ता। तो स्पिन गेंदबाजी जो है इनकी वो बढ़िया है, लेकिन तेज गेंदबाजी जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो एक मैच जीत रहे हैं एक मैच हार रहे, कौन? मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम। अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें लास्ट सिक्स मैच के बिहाव पे तो टेंट रॉकेट ने अपने लास्ट के सिक्स मैच में चार मैच जीता, बस दो मैच हारे, यानी टेंट रॉकेट्स तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 137, 137 रनों का, जिसे हम बढ़िया कह सकते हैं। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 8.71 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना, इसे हम ना बहुत अच्छा कहेंगे ना बहुत ज्यादा खराब कहेंगे। वहीं अगर बात करें मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तो अपने लास्ट के सिक्स मैच में तीन मैच जीता, तीन मैच हारे, मतलब एक जीत रहे एक हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 127, 127 रनों का है, जो कि बेहतर नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बटर के अलावा कोई बल्लेबाज उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना कर पा रहा। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 9.12 थोड़ा सा महंगा होता है गेंदबाजी एवरेज, तभी तो एक जीत रहे एक हार रहे हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो भाई साहब चाहे रिजल्ट की बात कर लो, बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लो या गेंदबाजी एवरेज की बात कर लो, हर जगह जो टेंट रॉकेट्स की टीम है ना वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स से बेहतर नजर आ रही। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो जानते हैं। बस उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी नहीं हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं, तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे सारी एनालिसिस करने के बाद देखें, जैसे करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे टेंट की जो परफॉर्मेंस है मैनचेस्टर से बेहतर है। रिकॉर्ड्स की माने जो टेंट का रिकॉर्ड है ना मैनचेस्टर के सामने वो काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब तीन मैच हुए तीनों टेंट जीता, मैनचेस्टर एक भी ना जीता। तो इस हिसाब से जो मैच है ना वो 60-40 का, 60 टेंट रॉकेट्स एंड 40 मैनचेस्टर ओरिजिनल्स। तो अगर आप यहाँ पे चाहे जो मजबूत टीम है टेंट रॉकेट उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना मैनचेस्टर ओरिजिनल्स अपने नाम पे कर सकता है। देखो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना मैनचेस्टर ओरिजिनल्स अपने नाम पे कर सकता है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता ना 100 मेंस के अलावा 100 वुमेन्स भी चल रही, लंका प्रीमियर लीग चल रही, CPL भी स्टार्ट ही हो गया, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो भैया जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लेगी, इसलिए इधर उधर और किसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।